पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके झूठ बोलना बंद करिए प्रधानमंत्री जी। अब 1.5 महीना बचा है, जाइए रिटायर हो जाइए और बाइज्जत रिटायर हो जाइए। कम से कम ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। प्रधानमंत्री जी आपको धन्यवाद, आपके ये झूठ की वजह से लोग हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं और आपके झूठ को भी वो उसी में ढूंढ रहे हैं कि कहां लिखा हुआ है हिंदू, कहां लिखा हुआ है मुसलमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो देश की संपत्ति उन लोगों में बांट देगी जिनके अधिक बच्चे हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो देश की संपत्ति को घुसपैठियों और जिनके अधिक बच्चे हैं उनके बीच वितरित किया जा सकता है। वह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान का जिक्र कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक समुदाय को देश के संसाधनों तक प्राथमिकता से पहुँच मिलनी चाहिए। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। साथियों, कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है, ये तो वागड़ के लोग अच्छी तरह जानते हैं। मुसलमानों में बटेगी संपत्ति। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र से संकेत मिलता है कि वे माताओं और बहनों की सोने की संपत्ति का मूल्यांकन करने, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने और बाद में उस संपत्ति को वितरित करने की योजना बना रहे हैं। मनमोहन सिंह के प्रशासन ने जोर देकर कहा था कि मुसलमानों को देश की संपत्ति तक पहुँचने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, हिंदू मुसलमानों को बांटने का जिक्र। कांग्रेस ने पीएम मोदी के बयान की निंदा की और कहा कि प्रधानमंत्री अपने झूठ के जरिए फिर से हिंदू मुसलमानों को बांट रहे हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी पर झूठ फैलाने का इल्जाम लगाया और दावा किया कि घोषणा पत्र में कोई मुस्लिम हिंदू संदर्भ नहीं है। रविवार को साझा किए गए एक वीडियो संदेश में खेड़ा ने प्रधानमंत्री को अपने दावे के समर्थन में सबूत देने की चुनौती दी। नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम का जिक्र। उन्होंने कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में हिंदू मुस्लिम का कोई भी जिक्र नहीं है। हम प्रधानमंत्री को चुनौती देते हैं कि वह हमें दिखाएं कि हमारे घोषणा पत्र में कहीं भी हिंदू या मुस्लिम शब्द लिखा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे, अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में न्याय की बात की है, न्याय नौजवानों के साथ, न्याय महिलाओं के साथ, न्याय आदिवासियों के साथ, न्याय श्रमिकों के साथ। उसमें प्रधानमंत्री को आपत्ति है? आपत्ति हो भी क्यों ना, ये हमारा न्याय पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है और उनके 10 साल के कृत्य दिखाता है। ये पूरे 10 साल इन्होंने हिंदू मुसलमान करके खत्म कर दिए और आप फिर से चुनाव में आए हैं हिंदू मुसलमान लेकर। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को, झूठ बोलने में भी शर्म आनी चाहिए और इस तरह से देश को बांटने में भी शर्म आनी चाहिए। और मैं फिर से चुनौती देता हूं, हमारा मैनिफेस्टो, प्रधानमंत्री जी आपको धन्यवाद, आपके ये झूठ की वजह से लोग हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं और आपके झूठ को भी वो उसी में ढूंढ रहे हैं कि कहां लिखा हुआ है हिंदू, कहां लिखा हुआ है मुसलमान। इस तरह के शब्द हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है, ये आपकी इस हल्की मानसिकता में ये शब्द होते हैं। इस तरह के जो बंटवारे की बात होती है वो आपके दिमाग में होती है, आपके जहन में होती है, हमारे न मैनिफेस्टो में है, न हमारे संविधान में है, न हमारे दिमाग में है, न इस समाज में है। सिर्फ और सिर्फ
आपकी हल्की मानसिकता में है और कहीं नहीं है। झूठ बोलना बंद करिए प्रधानमंत्री जी, अब 1.5 महीना बचा है, जाइए रिटायर हो जाइए और बाइज्जत रिटायर हो जाइए। कम से कम झूठ आपको शोभा नहीं देता। इस कुर्सी पर आपसे पहले बहुत बहुत ही पढ़े लिखे महानुभव बैठे हैं, कभी किसी ने इस तरह का झूठ नहीं बोला जिस तरह से आप बोलते हैं, और आपके बाद भी बहुत अच्छे लोग आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन कोई भी इस तरह से झूठ नहीं बोलेगा और आपका नाम इतिहास के डस्टबिन में जाएगा जिस तरह का आप झूठ बोलते हो। माफ कीजिएगा, ये भाषा हम आप ही से सीख रहे हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस। खेड़ा के स्पष्टीकरण के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर 9 दिसंबर 2006 के तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के भाषण का एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा था, हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नवीन योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों, खास तौर पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विकास के लाभों को समान रूप से साझा करने का अधिकार है, संसाधनों पर उनका पहला दावा होना चाहिए। कांग्रेस ने बोला हमला। इस बीच खेड़ा ने पीएम मोदी की टिप्पणियों की आलोचना करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण में गंभीरता की कमी को दर्शाता है। खेड़ा ने कहा, इस तरह का हल्कापन आपकी मानसिकता और आपके राजनैतिक मूल्यों में है। हमने युवाओं, महिलाओं, किसानों, आदिवासियों, मध्यम वर्ग और श्रमिकों के लिए न्याय की बात की है। कांग्रेस के घोषणा पत्र की अखंडता पर जोर देते हुए खेड़ा ने इसे समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब बताया। उन्होंने कहा, हमारा घोषणा पत्र प्रधानमंत्री को आईना दिखाता है, अगर आप ऐसे झूठ बोलते रहे तो आपका नाम कूड़ेदान में चला जाएगा। लिमरा न्यूज के लिए खास रिपोर्ट, मैं सैयद मोहम्मद हसन।